वेलकम टू इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप सभी देख रहे हैं, सरल और बहु परमाणु आयन की हेल्प से हम कैसे रासायनिक सूत्र बनाएं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन नाइन्थ क्लास में बेसिकली पूछे ही जाते हैं कि आपको कुछ आयन्स दे देंगे और पूछे जाएंगे कि आप इन आयन की मदद से कितने रासायनिक सूत्र बना सकते हैं या कौन कौन से रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये मैंने टेबल यूज किया है। इस टेबल को कैसे याद करना है कि कौन से तत्व के ऊपर कौन सा आवेश होता है, तो इसके लिए अलग से वीडियो है, आप हमारे चैनल पर आकर वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने कुछ हिंट्स प्रोवाइड किए हैं, जिस हिंट की हेल्प से बहुत ही कम समय में आप इस पूरे टेबल को याद कर लेंगे और कौन से आयन के ऊपर कितना चार्ज होता है, कितना आवेश होता है, ये भी आप याद कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि निम्नलिखित आयनों का उपयोग करके अधिक से अधिक रासायनिक सूत्र बनाएं, तो आप कैसे बनाएंगे, उसके लिए आज मैं एक तरीका आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप बिना मिस्टेक के रासायनिक सूत्र बनाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको ध्यान से देख लेना है कि आपके पास कितने आयन्स हैं। दूसरा पॉइंट कि किस आयन के ऊपर कितना आवेश है। तीसरा पॉइंट, किस आयन के ऊपर कौन सा आवेश है। कौन सा मीन्स कौन सा पॉजिटिव आवेश वाला है, कौन सा नेगेटिव आवेश वाला है। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि किसके ऊपर प्लस आवेश है, किसके ऊपर माइनस आवेश है। बस इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। अब हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो प्लस का आवेश है इसके ऊपर, तो ये जो रिएक्ट करेगा ये सिर्फ उन्हीं तत्वों के साथ रिएक्ट करेगा, उन्हीं आयन्स के साथ रिएक्ट करेगा जिनके ऊपर माइनस का आवेश होगा। तो माइनस के आवेश वाले आपके पास हैं एक क्लोरीन सल्फेट और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जो हाइड्रोजन फॉर्मूला बनाएगा वो सिर्फ क्लोरीन सल्फेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बनाएगा। तो आपका पहला फॉर्मूला हो गया HCl। और आयंस का उपयोग करके कैसे फॉर्मूला बनाया जाता है, इसके ऊपर भी हमारे चैनल पर वीडियो है, तो आप आकर वो भी देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझना है तब। या आपको फॉर्मूला बनाने नहीं आता है तब उस केस में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा तो बनाएगा HCl, हाइड्रोजन का सल्फेट के साथ रिएक्शन होगा और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो बनेगा हमारा H2SO4, हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोजन जुड़कर बनेंगे H2CO3। तो इस तरीके से तीन यहाँ पे रासायनिक सूत्र बन चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। पहला हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, फिर सल्फेट के साथ किया, फिर बाइकार्बोनेट के साथ किया। हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है वो है क्लोरीन। अब क्लोरीन को देखना है कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, पॉजिटिव वाले के साथ रिएक्ट करेगा। तो पॉजिटिव वाला हमारा कौन सा, यहाँ पे हाइड्रोजन है और मैग्नीशियम है और सोडियम है। हाइड्रोजन के साथ ऑलरेडी हम पहले रिएक्ट करवा चुके हैं, HCl फॉर्मूला बना चुके हैं, रासायनिक सूत्र बना चुके हैं HCl। तो अब इसमें हमें जोड़ना है मैग्नीशियम और सोडियम। जब हम क्लोरीन के अंदर मैग्नीशियम जोड़ते हैं और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उसके बाद ये बनेगा हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। सोडियम को अगर क्लोरीन के साथ जोड़ेंगे तब बनेगा हमारा सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से दो नए हमारे रासायनिक सूत्र बन के तैयार हो गए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आगे हमारा सल्फेट। अब सल्फेट के ऊपर जो आवेश है वो है माइनस का, तो ये किसके साथ कंबाइन होगा, ये पॉजिटिव वालों के साथ कंबाइन होगा, तो ये जाएगा हाइड्रोजन के पास। तो लेकिन हम हाइड्रोजन और सल्फेट का जो सूत्र है वो ऑलरेडी पहले स्लाइड में लिख चुके हैं तो यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। अब सल्फेट को रिएक्ट करवाएंगे हम मैग्नीशियम के साथ तो बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट। सल्फेट को सोडियम के साथ जोड़ेंगे तो बनेगा सोडियम सल्फेट। तो फिर से दो नए रासायनिक सूत्र बन गए। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है मैग्नीशियम। हमें वन बाय वन चलना है। बस मैग्नीशियम पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वालों के साथ रिएक्ट करेगा। तो मैग्नीशियम और क्लोरीन का ऑलरेडी हम पहले लिख चुके हैं रासायनिक सूत्र, मैग्नीशियम और सल्फेट का भी लिख चुके हैं, तो बच कौन गया, बच गया मैग्नीशियम और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये दोनों जब जुड़ेंगे तब बनेगा हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
तो ये एक नया सूत्र बन गया। इसके बाद देखते हैं हमारा आ गया सोडियम। अब सोडियम क्योंकि इसके ऊपर जो आवेश है वो प्लस है, तो पॉजिटिव आवेश है इसके ऊपर, तो ये नेगेटिव वालों के साथ ही जुड़ेगा। तो नेगेटिव वाले हैं सल्फेट और क्लोरीन, तो इनके साथ ऑलरेडी हम इनका फॉर्मूला लिख चुके हैं। तो बच कौन गया, अब बच गया हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो अब सोडियम को जोड़ देंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो बन जाएगा हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस तरीके से कुल मिला के 9 रासायनिक सूत्र बन गए हमारे इन 6 आयंस को मिला के। अब नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो आ जाएगा बाइकार्बोनेट, लेकिन ये जो बाइकार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है हमारा, ये ऑलरेडी सोडियम के साथ जुड़ चुका है, ये मैग्नीशियम के साथ भी जुड़ चुका है, ये हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ चुका है, तो और कोई नया फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो इसलिए कुल मिला के यहाँ पे हमारे 9 रासायनिक सूत्र बन जाते हैं। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आई थिंक इस वीडियो के बाद आप बहुत ही आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये वीडियो 9th क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं।